जनपद हापुड़ के पिलखुआ के रामलीला मैदान में भारत विकास परिषद द्वारा बुधवार को 14 जोड़ों का सरल सामूहिक विवाह कराया गया। कार्यक्रम में धोलाना के विधायक धर्मेश तोमर भी शामिल हुए, जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर कहा कि कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ये कार्य अत्यंत सराहनीय कार्य है। ब्लॉक प्रमुख दिशांत सतोरिया भी इस दौरान उपस्थित रहे, जिन्होंने जोड़ों को आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं दी। सम्मानित सभी पदाधिकारीगण मेरे साथ मंच पर हमारे पिलखुआ नगर पालिका से चेयरमैन भाई रूपनचंद जी, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई अंशुल जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वान कार्यकर्ता बंधु भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई हरीश अग्रवाल जी, अमित जी, भाई सुमित रोहिला जी, मनीष जी, दलित जी, यहाँ पर बैठे सभी भारत विकास परिषद से जुड़े हुए जो पिलखुआ नगर से सभी सम्मानित परिवारगण है, और यहाँ पर जिन जोड़ों की, जिन बालिकाओं की आज शादी हो रही है, उनके परिवार से आए हुए सभी परिजनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो पिलखुए में हमेशा से बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों को करती आती है, और हमें भी इससे देखकर प्रेरणा मिलती है कि हम सब के हमारे भाई आज इतने बड़े स्तर पर आयोजन कर रहे हैं, और हमारी जो लाडली बहना जो कहीं ना कहीं किसी अभावों से विवाह में। भारत विकास परिषद के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि संस्था द्वारा प्रति वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों का विवाह कराया जाता है। संस्था पिछले लगभग 5 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है, जहाँ पंजीकरण के पश्चात विवाह कराया जाता है। बुधवार को 14 जोड़े शादी के बंधन में बंधे।